we wake, hear the birds and see the sun, side by side our. हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे. मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ. आज के वीडियो में शेयर करी हूँ आप लोग के साथ एक यमी सा लंच रूटीन, प्लस उसके साथ आप लोग को लेके के चलूँगी एक शॉपिंग में, उसके साथ हॉल शेयर करूँगी एंड ऑल्सो शेयर करूँगी आप लोग के साथ फ्यू न्यू आइटम्स इन माई किचन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. मॉर्निंग को ही पैकेज डिलीवर होके गया है तो मैं ओपन कर रही हूँ एंड फाइनली मेरे किचन में आ गया है एक नया मेंबर, इंस्टेंट पॉट. मैं बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर की थी कि मुझे लेना है, बट पता नहीं मुझे मन नहीं कर रहा था लेने के लिए. टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था कि एक तो बहुत जगह लगा मेरा किचन काउंटर में एंड सेकेंडली आई डोंट नो कि मैं कितना यूज़ कर पाऊँगी. होता है ना कि जो भी होता है मैं सोच के ही लेती हूँ, ऐसा नहीं ले जाती हूँ कि मुझे लेना है ट्रेंड के साथ. And finally, I thought, let's try it. तो इंस्टापॉट के बारे में इन डिटेल्स में आप लोग के साथ बात करूँगी. पहले और देख लेते हैं. मैं उसके साथ मस्करा ऑर्डर की थी दो. ये लोरियल का टेलीस्कोपिक है, बहुत ही ज़्यादा ही इसका पॉपुलर है ये, तो मैं इसको ऑर्डर की हूँ. एंड अनदर वन, ये भी काफ़ी चला है, ये मेवलिन का है. एंड उसके साथ ही सीक्वेंस है. जो लोग आप लोग कार्ड्स खेलते हैं आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही अच्छा लगता है ये गेम. किचन में कुछ भी आए एक्साइटमेंट तो रहता है, बट मुझे टेंशन हो रहा था कि मैं कहाँ रखूँ. आई नो काउंटर काफ़ी बड़ा है बट मुझे क्लटर करने को मन नहीं कर रहा था. अप्लायंसेस कॉर्नर आप लोग देख सकते हैं, मेरा एयर फ्रायर है, मेरा ग्राइंडर है और मेरा वाटर बॉयलर है, उसके साथ टोस्टर है. तो काफ़ी जगह लेता है वो जगह, तो मैं देखूँगी इसको एडजस्ट करूँगी कहीं पे. और अभी मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए. रेसिपी शेयर करने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी जो मेरे वेजिटेरियन व्यूअर्स हैं. जनरली मैं वीकेंड को ही फिल्म करती हूँ मेरा वीडियोस जो होता है एंड संडे हम लोग का नॉन वेज ही बनता है. तो हमेशा मेरा लाइक लास्ट फ्यू वीडियो नॉन वेज रेसिपी जा रहा है. मुझे कुछ लोग कंप्लेन किए थे कि आप नॉन वेजिटेरियन रेसिपी जितना शेयर खाली कर रहे हैं, वेजिटेरियन कुछ नहीं कर रहे हैं. मैं ट्राई करूँगी आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ वेज रेसिपी शेयर करूँ. तो आज का जो रेसिपी है ये मेरे नॉन वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए है. मैं बना रही हूँ चिकन बटर मसाला. तो ये रेसिपी के लिए मैं बोनलेस चिकन ली हूँ. आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं. ओवरनाइट मैरिनेट किया गया है. इसमें मैं ऐड की थी 2 स्पून्स ऑफ दही, हल्का सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तंदूरी मसाला पाउडर एंड गरम मसाला, उसके साथ हल्का सा ऑयल एंड नमक. आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं. एक जगह पे मैं एक पैन में हल्का सा ऑयल ली हूँ और चिकन को फ्राई कर रही हूँ और एक जगह पे मैं कढ़ाई में हल्का सा पानी बॉईल की थी. इसमें हम लोग ऐड करेंगे 3 टमाटो मैं ऐड की हूँ, उसमें एक बड़ा सा ऑनियन कट करके ऐड की हूँ, जिंजर एंड गार्लिक, हल्का सा कैश्यू एंड जो भी गरम मसाला आप लोग को अच्छा लगता है आप ऐड कीजिएगा. और इसको हम लोग अभी बॉयल करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स. और इस तरह मेरा चिकन भी हो रहा है और ये देखिए चिकन ऑलमोस्ट हो गया है. अगर आपको अच्छा लगता है ड्राई चिकन खाना, तंदूरी चिकन, तो आप इसी स्टेज पे खा सकते हैं. और मेरा मसाला जो ग्रेवी के लिए है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. जो मसाला है ग्राइंड करने से पहले थोड़ा सा ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो मैं अपने प्लांट्स के लिए होममेड फर्टिलाइजर मैं बना रही हूँ. मुझे अच्छा लगता है ये. अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. तो मैं क्या की हूँ, काफ़ी लाइक फ्रॉम फ्यू वीक्स मैं जितने भी हम लोग घर में अंडा खाते हैं उसका जो एग का सेल्स होता है उसको मैं कलेक्ट की हूँ. और उसके साथ मैं ऑरेंज का भी छिलका जो होता है उसको मैं एक साथ रख रही हूँ. तो काफ़ी ड्राई हो गए हैं तो अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे और डायरेक्टली हम लोग इसको प्लांट्स में दे सकते हैं. दिस इज़ द बेस्ट प्रोटीन फॉर योर प्लांट्स.
तब तक मेरा मसाला अभी ठंडा हो गया है, तो अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर विदिन 5 मिनट्स हम लोग का करी रेडी हो जाएगा। और मेरा चिकन भी हो गया था तो मैं एक जगह पे निकाल दे रही हूँ। उसी सेम पैन पे ही मैं बटर ऐड कर रही हूँ। बटर का क्वांटिटी, बटर मसाला है तो आप अपने हिसाब से दीजिएगा, आप जितना खाते हैं। मैं बहुत कम नहीं दी हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं दे रही हूँ। उसमें हम लोग ऐड करेंगे हल्का सा जीरा, हल्दी पाउडर एंड मैं हल्का सा गरम मसाला ऐड की हूँ। उसके बाद हम लोग जो ग्रेवी बनाया है उसको ऐड कर देंगे। बस इसको हम लोग कुक करेंगे और हम लोग अभी इसी स्टेज पे ही हल्का सा नमक ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। एंड इसको हम लोग कुक करेंगे नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स। पूरा तो ये ड्राई नहीं होगा बट हल्का सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्रेवी बन गया है करके। अभी हम लोग ऐड कर लेंगे ड्राई मसाला, हल्का सा जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर। अभी मैं आ गई हूँ अपना छोटा सा किचन गार्डन में धनिया लेने के लिए। अगर आप खुद ग्रो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जो स्टोर ब्रॉड धनिया होता है और इसका जो स्मेल होता है ना, इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस। मुझे तो अभी पता चला है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे ट्राई कर रही हूँ। और अभी देखिए ग्रेवी हो गया है तो अभी चिकन ऐड कर देंगे, ऊपर से धनिया पत्ता, ऊपर से ये ब्लैक पेपर और रोस्टेड कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आप चाहे तो ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं देवांश के लिए स्किप कर रही हूँ। इंस्टा पॉट आज ओपन की हूँ तो कुछ तो बनाना है, तो मैं वेज पुलाव ट्राई कर रही हूँ। मैं ऑलिव ऑयल ली हूँ, आप चाहें तो घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके ऊपर से हम लोग जीरा ऐड करेंगे, हल्का सा मैं कैरेट बीन्स कैश्यू ऐड की हूँ। एंड मैं ये सॉटे मोड में मैं इसको फर्स्ट ऑन की हूँ। उसके बाद मैं उसको हल्का सा फ्राई करूँगी एंड राइस को मैं 30 मिनट से सूख करके रखी थी उसको ऐड कर देंगे। मैं 2 कप्स ऑफ राइस ली हूँ तो 1:2 2 कप्स आप ऐड कर सकते हैं, 1.5 भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं पानी ऐड कर दूँगी एंड बस हम इसको अभी सीटी लगा लेंगे फॉर 6 मिनट्स। नमक भी ऐड कर दीजिएगा एंड टेस्ट भी कर लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं। एंड हम लोग देखेंगे कैसा बन रहा है आज का ये पुलाव। ऊपर से मैं हल्का सा घी भी ऐड कर रही हूँ। एंड आई नो आप लोगों में से बहुत जन के पास इंस्टेंट पॉट पहले से ही होगा, बट मेरे किचन में नया है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कौन सा रेसिपी जनरली बनाते हैं इंस्टेंट पॉट में। मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी। एंड ये देखिए मेरा चिकन का ग्रेवी ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा था तो मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। और इसको अगेन मैं कुक करूँगी क्योंकि मेरा राइस नहीं हुआ था, तो मैं चाहिए कि थोड़ा सा और कुक कर लूँ। तो ये मेरा चिकन अभी बन रहा है, ऊपर से मैं बटर हल्का सा ऐड की हूँ एंड दैट्स इट। हो गया मेरा चिकन का बटर बटर चिकन मसाला, इट्स सो यम। आप लोग ट्राई कीजिएगा। सोची थी मैं रायता बनाऊंगी बट मेरे किचन में क्यूकुम्बर नहीं था, तो मैं फाइनली दही बूंदी बना रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ। बस कुछ नहीं, मैं हल्का सा गर्म पानी लेती हूँ, उसमें दही ऐड करती हूँ, पहले से सूख कर देती हूँ जो बूंदी होता है गर्म पानी में, एंड फिर दही ऐड करेंगे एंड तड़का लगा लेंगे। मैं पंचफूरन वाला तड़का लगाती हूँ, उसका स्मेल हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। हल्का सा कड़ी पत्ता एंड आप चाहें तो रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। विदाउट स्पाइस मैं बनाई हूँ पूरा जो मेरा बटर मसाला है। बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है बट मुझे हल्का सा चिली चाहिए होता है, तो मैं मेरा किचन गार्डन का चिली यूज़ की हूँ। लास्ट वीडियो में मुझे क्वेश्चन आया कि कौन सा चिली है ये। ये एक मैक्सिकन चिली है। इसका स्मेल जो इंडियन वाला होता है वैसा नहीं है, बट जो स्पाइस लेवल है ना काफ़ी हाई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड देखिए मेरा पहला पुलाव, पहला रेसिपी मेरा इंस्टा पॉट में रेडी हो गया है और मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि हल्का सा मैं पानी ऐड की, ज़्यादा तो स्टिकी था बट बहुत ही अच्छा बना था। उसका टेक्सचर जो था काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को।
और ये आज का हम लोग का लंच मेन्यू रेडी हो गया है। बहुत ही यम बना था जो बटर चिकन और चिकन बटर मसाला। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई, बटर चिकन बोलते हैं शायद से। और आप अगर कभी ट्राई नहीं किए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। Crickets see the moon, side by side and through and through. मेरा किचन का काम हो गया है तो अभी क्या करेंगे, जो प्लांट्स के लिए मैं बनाई थी होममेड प्लांट फूड, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मैं एक स्पून की मदद से एक एक चम्मच और दो दो चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। स्पेशली जो वेजीज प्लांट्स होते हैं, टमाटो चिली, उनमें ज़्यादा ही अच्छा होता है ये, तो मैं ऐड कर रही हूँ। एंड देवांश को भी अच्छा लगता है मेरे साथ कुछ काम करने के लिए। एंड ये अभी मैं ऐड कर दे रही हूँ। इसका क्या होता है, हम लोग पानी देंगे तो ये आराम से ना सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है 1 और 2 डेज़ में। तो आप ट्राई कीजिए अपने प्लांट्स के लिए। आफ्टर लंच एंड जितना भी काम घर का था वो कर लिए हम लोग, और आ गए हैं अभी कॉस्को। बहुत दिन के बाद हम लोग कॉस्को आए, आफ्टर लाइक 4 to 5 months के बाद। बहुत दूर है हम लोग के घर से, लाइक 35 minutes to 40 minutes। तो प्रिफर कर रहे हैं कि जो पास में जो भी स्टोर है उससे ही हम लोग काम चला ले। बट आई रियली लाइक कॉस्को। मैं जितने भी स्टोर गई हूँ ना, जैसे कि BJS हो गया, सैम्स क्लब हो गया, मुझे कॉस्को बहुत ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उनका प्रोडक्ट्स भी अच्छा लगता है, प्लस उनका जो हाइजीन होता है, जो सब कुछ ना, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं हल्का सा शॉपिंग करूँगी यहाँ पे, एट द एंड आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक शॉपिंग हॉल। लॉन्ग वीकेंड था, आप लोग कैसे स्पेंड किए अपना लॉन्ग वीकेंड मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। जो लोग स्पेशली US में हैं, हम लोग का घर में ही था, कहीं हम लोग गए नहीं है, और ऐसे छोटा मोटा कुछ शॉपिंग था और बस, और कुछ नहीं। एवरीवन, तो ये है मेरा पूरा आज का जितना भी कॉस्को आपका शॉपिंग है। मैं क्लीन करके सैनिटाइज करके रख दी हूँ, और अभी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। बनाना लेके आई हूँ, एंड राइस, जो बासमती राइस होता है हमेशा मैं कॉस्को से लेके आती हूँ। ये प्रोडक्ट अब इंडिया ही है, और यू नो हम लोग नॉर्मल पटेल और कोई भी इंडियन ग्रॉसरी में मिल जाता है, बट कॉस्को में प्राइस ठीक रहता है, मतलब 20 और 22 रहता है, यहाँ पर 17 रहता है। और उसके साथ ही मैं अपने लिए एक लेगिंग्स टाइप का कुछ लेके आई हूँ, जोगर टाइप का था, पता नहीं कैसा होगा। एंड मैं एक ऑरेंज का बैग लेके आई हूँ। ये ऑरेंज का अभी जो जो ऑरेंज आ रहा है ना, बहुत टेस्टी मीठा होता है तो अच्छा लगता है। उसके साथ ही मैं कब से ढूंढ रही थी हम दोनों के लिए बेड साइड में, हम लोग को पानी चाहिए होता है, मुझे काफ़ी पानी चाहिए होता है कभी कभी, तो मैं सोची थी कि कुछ चाहिए मुझे, तो मैं ये लेके आई। ये एक कॉनवॉय का डबल वॉल वैक्यूम इंसर्ट, स्टेनलेस स्टील का है, तो मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए दो सेट था, तो मैं वो लेके आई। एंड नेक्स्ट है पटेटो। पटेटो मैं हमेशा कॉस्को जब भी जाती हूँ लेके आ जाती हूँ। ये येलो येलो पटेटोज है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इंडियन स्टोर से भी मैं यही लाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आगे के दिन में मेरा एक पॉटलॉक है, मुझे समोसा बनाना है, फॉर दैट ओनली मैं लेके आई इतना बड़ा। और ये एक सेट था तो मुझे अच्छा लगा, मैं लेके आई। 6 सेट्स का है, ये 6 पीसेस है। आप लोग बहुत जन ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा है कि आपका सर्विंग सेट कहाँ से है, मेरी एक फ्रेंड ने कॉस्को से ही मुझे गिफ्ट किया था। और उसके साथ ही ये मिल्क है देवांश का, और यहाँ पे है मैंगो है, मैंगो मैं लेके आई हूँ। मेरी एक फ्रेंड बोली कि ये जो मैंगो होता है अच्छा लगता है, मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ तो मैं लेके आई। उसके साथ ये वाइटा कोको का कोकोनट वाटर है, मैं आजकल चाय स्किप कर रही हूँ मॉर्निंग का, मैं लाइक ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा से शुरू करूँ दिन। जो होता है चाय से क्या होता है, मेरा भूख ये हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कोकोनट वाटर के साथ ब्रेकफास्ट कुछ किया जाए। उसके साथ 2 सीरियल बॉक्स है, एंड
दिस पॉट है ख़त्म हो गया था, और ऑलिव ऑयल है ये, और ये ऑल पर्पज़ फ्लावर है। इतना बड़ा मैं कभी नहीं लाई हूँ, कॉस्को से जनरली मैं नहीं लाती हूँ, पर जैसे कि मैं बोली मेरा समोसा का एक पार्टी है तो मैं इसलिए लाई हूँ। उसके साथ ही देवांश के लिए जूस है, ये मेरा एप्पल एलिव का 100% जूस है ये ऑर्गेनिक का, तो मैं ये लेके आई हूँ। और ये हो गया अनादर चेरियोस है, इसका जो होता है ना मुझे अच्छा लगता है ये चेरियोस, इसका आयरन का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, स्पेशली 12.6 है, आप लोग देख सकते हैं क्या पूरा मेरा शॉपिंग। उसके साथ एक मिल्क भी है यहाँ पे हम लोग के लिए। तो ये है आज का टोटल मेरा ग्रॉसरी। तो ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे गिव ए बिग थम्स अप। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।